चुनौती होगी कि कल 4 बजे वो फ्लोर टेस्ट करें। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त ये बड़ी खबर है और इसमें अभी पूरा ऑर्डर डिक्टेट किया जा रहा है, लेकिन एक चीज यहाँ पर साफ हो रही है रोहित, वो ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये ऑब्जर्वेशन कर रहा था तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें कानून को बचा के रखना है, हमें प्रोटेक्ट करना है कानून को, और हमें ये भी बताना है कि जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन है शुरू से लेकर अंत तक। अभिषेक मनु सिंह भी ये बोल रहे थे कि ये जो कुछ भी हुआ इसको कैंसिल किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार बार इस ओर इंडिकेशन दे रहा था, बार बार अपनी जो भी ऑब्जर्वेशन था कि हमारे लिए जरूरी ये है कि क्या प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, और प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये है। मुकुल रोहतगी ने पहले कहा 1 हफ्ते, फिर उसके बाद कहा रविवार या सोमवार, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एकदम एकमत था इस बात पर कि हर हाल में फ्लो टेस्ट अभी होना चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि अगर हम फ्लो टेस्ट की बात करें, ये ऑब्जर्वेशन नहीं आया लेकिन इसका बैकग्राउंड हमेशा से यही रहा है कि ज्यादा समय से हॉर्स ट्रेडिंग या अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस को बल मिलता है। सीधे तौर पर कल 4 बजे येदुरप्पा को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ेगा, और अगर इसकी शुरुआत की जाए तो वो जो 2 खतों का बात हो रही थी जो सुप्रीम कोर्ट देखना चाह रही थी, अब वो सारी चीजें कल प्रैक्टिकल देखना होगा। और अभिषेक मनु सिंह भी और कपिल सिब्बल ने और क्या क्या चीजें की, वीडियो रिकॉर्डिंग की भी बात आई। देखिए बिल्कुल कि हमारे विधायकों की सुरक्षा बहुत जरूरी है और इसके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए फ्लोर टेस्ट के दौरान, क्योंकि कुछ भी किया जा सकता है। इन तमाम चीजों को अभिषेक मनु सिंह ने कहा। अभिषेक मनु सिंह ने यह भी कहा कि हालांकि इनको न्योता नहीं दिया जाना चाहिए था बीजेपी को, क्योंकि इनके पास बहुमत नहीं है, 104 का आंकड़ा, ये कहां से लेके आएंगे। हमारे पास कांग्रेस और जेडीएस को मिलाकर के 117 विधायक है, इसलिए राज्यपाल ने ठीक से कानून का पालन नहीं किया, अपने अधिकारों का पालन नहीं किया। शुरू से अभिषेक मनु सिंह भी विरोध कर रहे थे, जबकि मुकुल रोहतगी कह रहे थे कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, इनको ही न्योता मिलना चाहिए था। लेकिन उसके बाद अभिषेक मनु सिंह ने यह भी कहा, 30 घंटे का वक्त इस समय येदुरप्पा के पास बचा है, हैदराबाद में विधायक है कांग्रेस जेडीएस के, उनको वापस कर्नाटक ले जाना होगा। दूसरी तरफ पूरा नाटक अब हैदराबाद और दिल्ली से कर्नाटक में शिफ्ट हो जाएगा। पवन खेड़ा, खुश हैं आप? कल शाम 4 बजे होगा शक्ति परीक्षण, अदालत ने कह दिया। जी, हम शुरू से कह रहे थे कि ये 15 दिन का समय, जबकि येदियुरप्पा जी ने स्वयं तो 7 दिन मांगा था, इन्हें 15 दिन मिल गया। हम तो बड़े हतप्रभ थे कि 5 साल क्यों नहीं दिया गया, लेकिन हम बड़े संतुष्ट हैं इस बात से कम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात सुनी, और हॉर्स ट्रेडिंग के लिए जो समय राज्यपाल जी ने बहुत ज्यादा दे दिया था वो कम किया। वो पूरी उम्मीद है एमएलए बिकाऊ नहीं होता है, कांग्रेस का एमएलए बिकाऊ नहीं है, ये भले कितना ही प्रयास कर लें। ठीक, अमित मालवीय, लोकतंत्र के साथ कर लेंगे, करने का 30 घंटे में खिलवाड़ नहीं होगा, 28 घंटे में। तय हो गई कि जो हम कह रहे थे कि सरकारिया कमीशन ने क्या लिखा, पुंछी कमीशन ने क्या लिखा, गवर्नर ने अपने विवेक का इस्तेमाल करके। अमित मालवीय, संजय शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर आ गए जो कि कोर्ट रूम में मौजूद थे उस समय। संजय शर्मा जल्दी से बताइए, 28 घंटे का समय है येदियुरप्पा के पास, इसके अलावा क्या बड़ी बातें कही अदालत ने? इसके अलावा अदालत ने ये कहा है कि राज्यपाल का जो डिस्क्रिशनरी पावर है उस पे हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि उन्होंने जो फ्लोर टेस्ट करने का दिया है फ्लोर टेस्ट में ही सारा फैसला होना चाहिए। इस पर अलग अलग तरह से वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें दी, और मुकुल रोहतगी ने बोला कि वो इसके खिलाफ हैं कि इतना कम वक्त दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपने विधायक पंप कर रखे हैं और बीजेपी के भी विधायक कुर्सी में हैं, लिहाजा ऐसे में उनको वक्त दिया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने कहा चाहते हैं, और जेडीएस कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि वो कल भी फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं, कभी किसी भी समय उनका फ्लोर टेस्ट के लिए ले लिया जाए। हमने 117 विधायकों के नाम लिखकर नाम के साथ दिए हैं, लेकिन बीजेपी ने सिर्फ लीडर के साइन है उसमें, और बीजेपी ने ये जरूर कहा कि हमारे साथ अला फला विधायक है, लेकिन एबीसी का कहीं नाम नहीं है, हमने नाम के साथ दिया है, लिहाजा जल्दी फ्लोर टेस्ट कराया जाए। अगर हमें मौका मिलता है फ्लोर टेस्ट का तो हम इसके लिए किसी भी समय तैयार हैं। 7 दिन का समय मांग रहे थे बीजेपी की तरफ से मुकुल रोहतगी, लेकिन अदालत ने कहा कल शाम 4 बजे, लिहाजा उनको ये कहना पड़ा कि हम तैयार हैं इस चीज के लिए, कल शाम 4 बजे हम बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर पर उतरेंगे। कल शाम को 4 बजे का मतलब ये है कि अब 28 घंटे का वक्त येदियुरप्पा की सरकार के पास है अपना बहुमत साबित करने के लिए। अमित मालवीय, अब बताइए कैसे साबित करेंगे 28 घंटे में? जैसे मैं पहले कह रहा था, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि जहां तक संविधान और कानून का सवाल था उस पे भारतीय जनता पार्टी का जो पक्ष था वो सही पक्ष था, और आज सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के निर्णय पे कोई टिप्पणी ना देकर
हमारी बात की पुष्टि कर दी। गोवा, मणिपुर, मेघालय में भी जो हुआ वो इसी तर्ज पे हुआ। इससे एक चीज तो स्पष्ट हो जाती है कि कांग्रेस देश को गुमराह करने का प्रयास कर रही थी, अपनी ओजी राजनीति चला रही थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको दरकिनार कर दिया। दूसरी बात, जब अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि कल 4 बजे फ्लोर टेस्ट होगा तो इस निर्देश का पालन किया जाएगा, हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। जो भी करना होगा, हमारे जो विधायक हैं जो दूर दूर कर्नाटक में, क्योंकि हमने तो कांग्रेस की तरह सबको बंद करके नहीं रख दिया है होटल में, लोग स्वच्छ। ठीक, वकील क्या बता रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस व्यवस्था को क्लैरिफाई किया है और मुझे बहुत खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मर्यादा को कायम रखा। एक अहम फैसला, इसलिए फैसला है कि गवर्नर के 15 दिन के दिए हुए समय पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से स्टे लगा दिया है और मात्र 2 दिन का समय दिया है। क्या बीजेपी के लिए झटका है ये? बीजेपी के लिए झटका है, मगर देश के लिए, देश की विजय है, देश में लोकतंत्र की विजय है और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह देशवासियों का विश्वास है वो विश्वास आज फिर कायम हुआ। For a party that wanted to usurp power without the numbers, and it is a victory for democracy. केंद्रीय मंत्री वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की रक्षा की है। उन्होंने कहा कि कल शाम 4 बजे बहुमत परीक्षण होगा कर्नाटक विधानसभा में। निशांत के पास चल रहे हैं, उनके साथ वकील है, बताइए निशांत क्या कह रहे हैं वकील। हमारे साथ इस वक्त वकील हैं अंदर एके वाजपेयी जो कि मौजूद थे और ये केंद्र सरकार के वकील हैं। सर क्या हुआ अंदर, बताइए जरा क्या क्या ऑब्जर्वेशन। सर फाइनली कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं कि द फ्लोर टेस्ट मस्ट बी डन बाय टुमारो अकॉर्डिंग द हाउस रूल्स एंड देयर इज अ स्टे फॉर एक हफ्ते के लिए कि किसी। कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं लेंगे और प्रॉम्प्टन स्पीकर जो है वो 4 बजे तक अपॉइंट कर दिया जाएगा, आज 4 बजे तक, और कल फ्लोर टेस्ट होगा कोर्ट के हाउस के रूल्स के हिसाब से। और अंदर जो संजय आइए, संजय इधर आइए, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह की बात होगी, संजय भी इस वक्त हमारे साथ आ गए। नथिंग हैज बीन परमिटेड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज नॉट डन देयर। अंदर क्या कुछ हुआ सर, आप रुकिए हमारे साथ, क्या कुछ हुआ बताइए। अंदर लंबी चौड़ी बहस के बाद ये हुआ कि कल 4 बजे, ये तो पता आपने खबर ब्रेक कर ही दी होगी कि 4 बजे बीजेपी को मौका मिला, लेकिन उसके पहले बहुत सारी चीजें हुई। बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि इतना कम टाइम दिया जाना उचित नहीं है, हमें एक वाजिब मोहलत दी जानी चाहिए। हमने अपने विधायकों को कोच्चि में रखा हुआ, बहुत सारे विधायक कोच्चि हैं, इस पर कोर्ट में बड़ा ठहाका भी लगा, उन्होंने कहा इन्होंने तो अपने विधायक हैदराबाद भेज दिए, वहाँ से आने में वक्त लगेगा, लिहाजा इतने कम वक्त में चीज़ें नहीं हो सकती हैं। राज्यपाल ने 15 दिन का टाइम दिया है तो उसी हिसाब से अगर उसको कम भी किया जाए तो उसी हिसाब से कम किया जाए, लेकिन इस पर कोर्ट ने साफ कहा कि शनिवार को शाम 4 बजे तक बहुमत सिद्ध करना है। कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा गया कि पूरी वीडियोग्राफी कराई जाए पूरे उसकी और हमारे विधायकों को सबको सुरक्षा मुहैया कराई जाए ताकि उनके साथ कोई गलत ना। वीडियोग्राफी के ऊपर क्या कहा गया? वीडियोग्राफी पर कोर्ट ने इसको मना कर दिया है और वीडियोग्राफी ये कहा कि ये डिस्क्रिशनरी पावर है विधानसभा अध्यक्ष और इन लोगों का, वो चाहे जिस तरह से करा सकते हैं। राज्यपाल डीजीपी को ऑर्डर दिए गए हैं कि 4 बजे तक फ्लोर टेस्ट के लिए पूरे एडिक्वेट इंतजाम किए जा रहे थे। अभी हमारे साथ जो सीनियर काउंसिल है वो बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में आज ही प्रोटेम स्पीकर की भी नियुक्ति की जानी चाहिए। अब ये इनका कहना है कि 4 बजे तक, लेकिन कोर्ट ने इस बारे में कुछ नहीं है। प्रोटेम स्पीकर का मामला उठा था और मुकुल रोहतगी ने बोला था कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भी की जानी है। तमाम प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिसमें वक्त लगता है, लिहाजा इतनी जल्दी इसमें नहीं होना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने अंदर जब आप मौजूद थे तो क्या आपको ऐसा लग रहा था कि बीजेपी कल के लिए तैयार नहीं है और कांग्रेस किसी भी वक्त के लिए तैयार? हाँ बिल्कुल, अगर बॉडी लैंग्वेज देखें और उनकी भाषा देखें तो उससे बिल्कुल साफ लगता है कि बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। बीजेपी ने बार बार यही कहा कि 15 दिन का मोहलत राज्यपाल ने दिया, लिहाजा उन्हें 15 दिन की मोहलत तो दी जानी चाहिए। बहुत सारी प्रक्रियाएं ऐसी हैं, ऐसा नहीं कि चट मंगनी पट ब्याह होना है। कहने का मतलब यही था, ये ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं की, लेकिन उनका ये कहना था कि बहुत सारी प्रक्रियाएं ऐसी हैं विधानसभा की, संवैधानिक प्रक्रियाएं, जिन्हें पालन करना पड़ता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करनी है, सबको शपथ दिलानी है।
कहा कि पहले ये काम होना चाहिए और हम चाहते हैं कि उसको हम बाद में सुनेंगे कि राज्यपाल के डिस्क्रिशनरी पावर पर हम बाद में इस बारे में बहस करेंगे, लेकिन फिलहाल सबसे पहले फ्लोर टेस्ट होना चाहिए जिससे कि ये पता चले कि किसके पास कितने विधायक हैं। चूँकि बीजेपी कांग्रेस की तरफ से और जेडीएस की तरफ से ये भी कहा गया कि इन्होंने जो चिट्ठी दी है बी एस येदियुरप्पा